गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जामिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम मिस्टर काजी शफीक अहमद, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल। नेक्स्ट, लास्ट वीडियो में हमने जो लुब्रिकेशन सिस्टम देखा, लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रयोग होने वाले लुब्रिकेंट्स क्या है, लुब्रिकेंट्स के अंदर क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए, ये सब हमने जो है लास्ट वीडियो में स्टडी किया। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लुब्रिकेशन सिस्टम का ही है। तो सबसे पहले जो है फ्लो चार्ट ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल का फ्लो किस प्रकार से होता है या किस प्रकार ऑयल फ्लो करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो है, ये है हमारा ऑयल सम्प। ऑयल सम्प में जो है, ऑयल सम्प से ऑयल स्टेनर, ऑयल स्टेनर से ऑयल पंप, ऑयल पंप से ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर के बाद में गैलरीज में, गैलरीज से इंजिन के कंपोनेंट्स में, और वहां से फिर वापस ऑयल सम्प। इस प्रकार से ऑयल जो है फ्लो होता है। तो अब यहां पर हम देखेंगे ये सब लुब्रिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स हो चुके हैं, अब उनके फंक्शन क्या है। तो नेक्स्ट, सबसे पहला कंपोनेंट है ऑयल पैन या ऑयल सम। तो ऑयल सम जो है इस प्रकार से होता है, उसका फंक्शन होता है कि इंजन का जो ऑयल होता है वो ऑयल को स्टोरेज करके रखने का काम यहां पर ऑयल सम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है ऑयल स्टेनर। ऑयल स्टेनर जैसे हमको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ऑयल स्टेनर किस प्रकार से है। तो जैसे एक छन्नी होती है जो चाय वगैरह छानते हैं, तो छन्नी के प्रकार किया हुआ है। तो ये जो ऑयल स्टेनर जो है, ऑयल को जो है, ऑयल के अंदर जो भी पर्टिकुलर्स, धान, कचरा, मलबे जो भी होते हैं, उसको जो है फिल्टर करने का काम करता है, जिससे आगे वाले भागों को नुकसान नहीं हो सके। तो उसका फंक्शन यही है कि तेल से मलबे को हटाने के लिए इसका उद्देश्य है, और किसी भी पार्ट्स को ये नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट है ऑयल पंप। ऑयल पंप जो है लुब्रिकेशन सिस्टम में बहुत मुख्य भाग है। तो ऑयल पंप का जो है फंक्शन है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि बेरिंग, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, इंजन के जितने भी कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स को प्रेशर के साथ में ऑयल सप्लाई करना, उसमें लुब्रिकेशन करना। जब तक पंप नहीं लगाएंगे, वो पंप जो है प्रेशर के साथ में ऑयल को गैलरीज में सप्लाई नहीं करेगा। पंप का लगाना इसके लिए जरूरी है ताकि इंजन में ऑयल पैन जो होता है वो इंजन के सबसे निचले लेवल पर होता है, बॉटम में होता है, और ऑयल को हमको पहुंचाना होता है टॉप तक, टॉप पावर तक। तो यहाँ पर नीचे से ऑयल ऊपर पहुंचाने के लिए किसी पंप के बगैर हम ऑयल को पहुंचा नहीं सकते, इसलिए जो है यहाँ पर हमने पंप लगाया है। तो ये पंप जो है प्रेशराइज करता है, और प्रेशर के साथ में ऑयल को जो है ऊपर सप्लाई करता है। नेक्स्ट है ऑयल फिल्टर। तो जो है यहाँ पर ऑयल फिल्टर का जो फंक्शन है, अपने कार में जो इंजन होता है, ये ऑयल के अंदर दूषित पदार्थ जो आ जाते हैं, पर्टिकुलर जो ऑयल स्टेनर से जो है नहीं छल पाते या उससे फिल्टर नहीं हो पाते, वो आगे जाके ऑयल फिल्टर में जाकर रुक जाते हैं, वहां पर क्लीन होते हैं, और फिर वो ऑयल जो है आगे सप्लाई आता है। अगर ऑयल फिल्टर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर जाकर मेन गैलरी में जाकर फंस जाएगी, जिससे मेन गैलरी जो है चौकअप हो सकती है, मेन गैलरी जो है जाम हो सकती है, जिससे ऑयल सर्कुलेशन नहीं होगा। तो इसके लिए फिल्टर का लगाना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट, ऑयल गैलरीज। ऑयल गैलरीज क्या होता है, ऑयल गैलरी का फंक्शन जो है, उसका कार्य जो है कि ऑयल पंप के माध्यम से ऑयल को सर्कुलेट करना सभी भागों में, और इंजन को ठंडा करना, यानी इंजन में जो चलने वाले पार्ट्स के अंदर जो हीट उत्पन्न होगी वो हीट हुई होगी जब तक के ऑयल के अंदर एब्जॉर्ब होगी, जिससे उसका तापमान, उसका तापक्रम कम हो जाएगा। तो यहां पर ये जो पर्पल कलर की जो लाइन दिख रही है, ये पूरी जो है ऑयल की गैलरीज है, यानी ऑयल यहां से आने के बाद में ये गैलरी में जाएगा,
और ये 11वें में जाने के बाद ये सभी पार्ट्स को लुब्रिकेट करे। तो ये है ऑयल ग्रीस। नेक्स्ट, अब जो है लुब्रिकेशन सिस्टम में कौन कौन से इंजन के कंपोनेंट्स हैं जिसको वो लुब्रिकेट करता है। तो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो दिया है हमने टाइमिंग गियर्स, उसके बाद में ये जो भाग निकला है हमारा ये है कैम शाफ्ट। यहां पर जो है वाल्व मैकेनिज्म, ये जो इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व और यहां पर स्प्रिंग। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर जो दिखा है पिस्टन, ये वाला जो हिस्सा है ये है कनेक्टिंग रॉड जो क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट यहां पर ये जो हिस्सा दिख रहा है ये क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट जो है इंजन का मेन कंपोनेंट है जिसके ऊपर सभी कनेक्टिंग रॉड के द्वारा सहायता से सभी पिस्टन जोड़े जाते हैं। तो ये है क्रैंकशाफ्ट। तो इस प्रकार से जो इंजन के कंपोनेंट्स हैं जो इंजन में चलने के बाद इनको लुब्रिकेशन करना अनिवार्य है, जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वो बात